नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सन के बारे में, ईयर के बारे में, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए हुए हम सबसे पहले बात करते हैं कि कोलकाता मदरसा की शुरुआत कब हुई थी। तो 1781 में कोलकाता मदरसा की शुरुआत हुई थी। और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 1791। देखिए, संस्कृत कॉलेज की स्थापना 91 में, मदरसा 81 में 781-786 से रिलेट करके देखिएगा, 781-786 मदरसा, ठीक है। और संस्कृत कॉलेज में, संस्कृत में नौ नवग्रह हमारे यहाँ शुभ होते हैं, तो उससे आप रिलेट करके इस तरीके से याद कर लीजिएगा। अच्छा, पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1818 में। अब 8 और 1 9 हो गए। 9 हमारे संस्कृत में क्या होते हैं, महत्वपूर्ण अंक होता है, शुभ अंक माना जाता है, नवग्रह होते हैं, ठीक है। और इसीलिए मैकाले का घोषणा पत्र की अब बात करते हैं, 2 फरवरी 1835 को मैकाले का घोषणा पत्र हुआ था। अब हंटर कमीशन को अगर हम याद करने की कोशिश करेंगे, हंटर 1882 मैकाले का घोषणा पत्र, तो 2 फरवरी 1835 को। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब हुआ था, तो 1904 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। और लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति भी उसी समय आई थी, यानी कि 1904 में लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति और विश्वविद्यालय अधिनियम ये पारित हुआ था। क्या चीज, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति और विश्वविद्यालय अधिनियम। उसके बाद हम बात करते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1800 में कोलकाता में। कहाँ पे, कोलकाता में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसके बाद गोखले विधेयक कब आया, तो 1911 में गोखले विधेयक आया हमारा। विश्व भारती की स्थापना कब हुई, तो 1922 में। किसने की, रविंद्रनाथ जी ने। विश्व भारती की स्थापना कब, 1922 में, किसने, रविंद्रनाथ जी के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पका पकाया भोजन कब प्रारंभ हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के यानी कि आदेश से पका पकाया भोजन 1 सितंबर 2004 को, 1 सितंबर 2004 से पका पकाया भोजन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिया जाने लगा। बाल श्रम गिरवीकरण, अब बाल श्रम गिरवीकरण अधिनियम कब हुआ, तो कब, 1933 में। बाल श्रम गिरवीकरण अधिनियम 1933 में, बाल श्रम गिरवीकरण अधिनियम 1933 में। अगर हम बात करते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हमारी कब हुई है। अब दोस्तों थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हमारी कब हुई है, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 में। और बाल श्रम गिरवीकरण, तो 1933 में। अब इसके बाद बात करते हैं कि कारखाना अधिनियम, तो कारखाना अधिनियम की अगर हम बात करते हैं, तो 1948 में कारखाना अधिनियम आया। कब आया, कारखाना अधिनियम 1948 में। और हर्टोंग कमेटी 1929 में। ये पूछा भी जा चुका है, सुपर टेट में भी आ चुका है हर्टोंग कमेटी के बारे में कि कब आई थी, गठित हुई, तो 1929 में। और कारखाना अधिनियम 1948 में। इसे राधाकृष्णन आयोग भी कब, 1948 में ही आया था। देखिए लिखा भी है, राधाकृष्णन आयोग 1948 से 1949। अब बात करते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के बारे में, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग आया था 1952 से 1953। कब आया था, 1952 से 1953 के बीच में। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953, और विश्वविद्यालय आयोग 1953 में। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953, ठीक है, 1952 आप याद रखिएगा, और विश्वविद्यालय आयोग तो 1953 में। अब इसके बाद UGC को कानूनी दर्जा कब दिया गया, तो UGC को जो कानूनी दर्जा प्रदान किया गया था 1956 में, UGC को कानूनी दर्जा 1956 में। दुर्गाबाई देशमुख समिति महिलाओं की शिक्षा के विकास के लिए कब आई थी, तो दुर्गाबाई देशमुख समिति महिलाओं की शिक्षा के विकास के लिए 1958 में आई, 1958 में। CBSE की स्थापना हमारी हुई थी 1929 में, CBSE की स्थापना हुई। अगर हंस मेहता समिति की महिला विकास जो कि हेतु है, हंस मेहता समिति किसके लिए है, तो महिला विकास के लिए, कब आई, 1962 में। हंस मेहता समिति तो 1962 में, किसके लिए, महिला विकास के, KBS के लिए, KBS तीन है, KBS 1963 में, KBS। देखिए दोस्तों सीरियल वाइज हमने रखा है, 62, 63, 61, 23, 24, इस तरीके से, तो आपको इसे याद करने में आसानी होगी। तो वीडियो को बस 2-3-4 बार ध्यान से देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि NCERT की स्थापना कब हुई, तो 1961 में हमारी NCERT की स्थापना हुई। KVS की स्थापना की अगर बात करी थी, तो कब, 1963, KVS, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद, अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया, 1835 में। अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम 1835
35 में। असती प्रथा प्रतिबंधित कब की गई? 1829 में सती प्रथा प्रतिबंधित की गई। किसने की अच्छा, किसके द्वारा की गई, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये पिछली वीडियो में इसके बारे में चर्चा भी की थी हम लोगों ने। अब इसके बाद बात करते हैं कि विधवा पुनर्विवाह नियम, तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह नियम 1856 में आया। अब इसके बाद भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग कब, तो भारतीय शिक्षा आयोग हमारा आया है 1964 से 1966 के बीच में। कोठारी कमीशन भी कहते हैं, कई बार कोठारी कमीशन के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोठारी कमीशन कब आया है, तो 1962 से 1964 से 1966 के बीच में। अगर बात करते हैं भारतीय वन्य जीव अधिनियम, तो 1972 में। कई बार पूछा जा चुका है पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन कि वन्य जीव अधिनियम कब आया, तो आया है 1972 में। इग्नू की स्थापना कब हुई, तो इग्नू की हुई 1985 में। इग्नू की स्थापना 1985 में, यानी 1985 में। अब इसके बाद बात करते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय 26 सितंबर 1985 में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना हुई है 26 सितंबर 1985 में। इसके बाद डाइट की स्थापना, डाइट के बारे में सभी लोग जानते हैं, तो स्थापना कब हुई 1987 में। 85 में क्या आया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और डाइट की स्थापना 1987 में। एनईपी के अनुसार, नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अनुसार एजुकेशन, तो कब 1986 एनईपी के द्वारा आया है, डाइट की स्थापना एनईपी के द्वारा की गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, 1986 वाली जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाली है, उसके अकॉर्ड के अनुसार जो है डाइट की स्थापना 1987 में की गई। 86 में बताया गया और 87 में उसकी स्थापना की गई। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना कब आई, तो राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना आई हमारी 1980 में। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना 1980 में। एनआईओएस की शुरुआत आई है 1989 में, 1989 एनआईओएस की शुरुआत, एनआईओएस की शुरुआत 1989। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई। और राममूर्ति पुनर्विचार की अगर कमेटी की बात करते हैं, तो 1990 में राममूर्ति पुनर्विचार कमेटी 1990 में, और साक्षरता मिशन की स्थापना 1988 में। यशपाल कमेटी, यशपाल कमेटी में कितने सदस्य थे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। फिलहाल यशपाल कमेटी की स्थापना कब हुई, तो 1992 से 1993 में, 1992-93 में हुई है यशपाल की, यशपाल कमेटी की स्थापना 1992-93 में। कितने टोटल सदस्य हैं और यशपाल कमेटी के, ये भी बताइएगा आप लोग। अच्छा, एनसीटीई की स्थापना कब हुई, तो एनसीटीई की 1995 में, यानी कि 1995 में, 1995 में एनसीटी की स्थापना हुई है। अब एक और बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए ज़रा, कि मध्याह्न भोजन योजना, मध्यान्ह जो भोजन योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा है, वो कब लागू की गई, तो 15 अगस्त 1995 में, यानी कि 95 में, 1995 में कब मध्यान्ह भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा जो की है वो की गई है 1995 में, 1995 में। अब यूपी में मिड डे मील, यूपी में मिड डे मील का प्रारंभ कब हुआ, 1995 से 96 में। यूपी में मिड डे मील का प्रारंभ 1995 से 1996 में मिड डे मील का प्रारंभ हुआ। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई, 1 अप्रैल 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल 2001 में, सर्व शिक्षा अभियान। यूपी में मिड डे मील का प्रारंभ 1995 से 1996। फ्रोवेल का किंडरगार्टन प्रारंभ हुआ, तो 1839 में फ्रोवेल का किंडरगार्टन प्रारंभ हुआ हमारा। फ्रोवेल का किंडरगार्टन कब, तो अच्छा किंडरगार्टन किसने दिया, तो फ्रोवेल ने दिया। कब हुआ, तो 1839 में हुआ, ये आप लोग ये याद रखें। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय का प्रारंभ, अब जो कस्तूरबा गांधी है बालिकाओं के लिए होता है, उसका प्रारंभ कब हुआ, तो जुलाई 2004 में, जुलाई 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का प्रारंभ किया गया। अगर हम बात करते हैं कि मेन जो है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है, तो 11 नवंबर को हमारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग सीरियल वाइज डिकेशन है इसमें, इसमें आपको ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर 1700 से एक शुरुआत किया, 1771 से जो मदरसा की बात करता है, 1781 से, 1781 के बाद फिर आप देखिए 91 आ रहा है, फिर 1800 का पद्धति आ गई, 1835 आ गया, 1882 आ गया, फिर 1904 आया। तो आप लोग अगर देख रहे हैं कि सीरियल वाइज ही ज़्यादातर रखा है, क्योंकि इसको सिस्टमेटिक ढंग से लगाने से बेटर रहता है, याद करना आसान हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा, एक दो बार ध्यान से देखेंगे तो आपके माइंड में ये चीज़ बस जाएगी और आपको अच्छे से याद हो जाएगा।
तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।